दुल्हन, तुम्हारी एक अमानत है मेरे पास। सोचती हूँ कब तक संभाले रखूंगी, तुम्हें दे ही देनी चाहिए। मेरी अमानत? ये अमानत? नहीं अम्मा जी, मगर मैं... अरे पकड़ो ना भाई, मेरे बाद भी तो तुम्हें ही संभालना है, तो फिर मेरे जीते जी क्यों नहीं? अम्मा जी, ये अमानत नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के काबिल हूँ इस वक्त। अरे तुम किस काबिल हो और कितनी अहल हो, ये मैं खूब जानती हूँ। और वैसे भी मैं अब थक गई हूँ भाई, जिसका घर है वो ही संभाले घरदारी, हमसे नहीं होती। जूटी लपाड़न, क्या हुआ है? क्यामत वाले दिन, क्यामत वाले दिन जब जो फरिश्ते होते हैं ना, वो टिक्के बोटी बनाने वाली जो सीख होती है ना, उसको उसको आग में ऐसे गर्म करके ऐसे जो फुल लाल हो जाएगी ना, ऐसे तेरी जबान पे लगाना, लगाना आई हुई, आई में मर गई, आई में मर गई, नाचती फिरती रहना इधर उधर। और फरिश्ते तुझे तो जैसे दूध में शहद घोल घोल कर पिलाएंगे ना। हाँ जी, मैं हाँ छोड़ मेरा, मैं झूठ नहीं बोलता। आइंदा इस तरीके से मुझे हाथ नहीं पकड़ना, वरना अम्मी जी को बता दूंगी। हाँ तो मैं भी अम्मा को बता दूंगा। तू क्या बताएगा? मैं बताऊंगा कि दवाई दवाई खत्म हो गई थी एक रात पहले ही, तो नुसर चाचा को कहती है कि नहीं नहीं नुसर चाचा, अभी दवाई की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो हफ्ते की रहती है। झूठी लपाड़न मकारन, तुझे क्यों अचानक इतना शौक हो गया दवाइयां खाने का? पहले तो बड़ा भागता था। दवाई नहीं खाऊंगा तो ठीक कैसे होऊंगा? कोई जरूरत नहीं है और दवाइयां खाने की, तू जरूरत से ज्यादा ठीक हो चुका है, और मजीद ठीक हुआ ना तो मुझे भून कर खा जाएगा। तुझे पता नहीं क्या कहती है। अरे आओ आओ ना साहिर मियाँ, आओ। अरे भाभी बेगम से मिलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, कैसे हो? अरे बैठो ना। शुक्रिया। जमीनों से अनाज वगैरह आया था, सर कह रहे थे मुलाजिम के हाथ भिजवा दो, मैंने सोचा मैं खुद ले आता हूँ, इसी बहाने मिल भी लूंगा आप लोगों से। अरे बहुत अच्छा किया तुमने ये तो। अम्मा जी आप